चलो अभी फंक्शन है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। नाउ अभी इससे पहले जो आप बता रहे थे कि यहाँ इंटीजर लिख दें या ऐसा कुछ कर दें, लेकिन इस फंक्शन की डेफिनेशन को समझो और डिक्लेरेशन को समझो। इसमें क्या बोला है कि एडिशन नाम का एक फंक्शन है, इसके दो इनपुट हैं, दोनों इनपुट लो और इनपुट लिए, यहाँ से इनपुट पास किए ए और बी, ठीक है, और ये ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई में कॉपी हुई, ठीक है। एक्स और वाई में जब कॉपी होती है तो क्या हो रहा है, राइट, सी के अंदर एक्स प्लस वाई कर दिया हमने और फिर हमने उसको प्रिंट करा दिया, इस तरह से रिजल्ट आ रहा है। लेकिन यहाँ से जब मैं इधर सी प्रिंट करा रहा हूँ तो आंसर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इस फंक्शन से कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं आ रही है, कुछ वैल्यू रिटर्न आ ही नहीं रही है। जब ये रिटर्न करेगा तभी तो यहाँ प्रिंट कर पाऊंगा मैं, इसीलिए अभी हम क्या करेंगे, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। जब भी विथ रिटर्न वैल्यू हो यहाँ वॉइड नहीं आएगा, जब भी विथ रिटर्न वैल्यू होगी तो क्या होगा, यहाँ वॉइड नहीं होगा, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा डेटा टाइप रिटर्न होगा। तो आप बताओ आपका जो एडिशन फंक्शन है इसके इनपुट आपके कौन से हैं, इंटीजर के हैं, आपका रिजल्ट कौन सा होगा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, इंटीजर, यानी इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, तो ये रिटर्न अगर रिजल्ट करेगा तो इंटीजर होना चाहिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ इंटीजर, ठीक है। जब यहाँ इंटीजर लिखा तो यहाँ इंटीजर लिखेंगे, अब आपने यहाँ इंटीजर लिख दिया तो ये रिटर्न करना पड़ेगा, अगर मैं इसको कंपाइल करूँगा राइट, तो मुझे इसमें कोई कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं लिखेंगे तो रिटर्न जीरो करता है। देखो अगर मैं ऐसा लिखूँ राइट ए बी और रिटर्न नहीं लिखा, और फिर यहाँ पे अब मुझे देखो क्या करना है, सिंपल सिंपल, अगर रिटर्न रिसीव करना तो सी इज इक्वल टू एडिशन ए कॉमा बी, तो ये सी क्या है, ये सी इसमें से रिटर्न आएगा ना वैल्यू, वो सी में स्टोर होगा, समझ वाली बात। इस फंक्शन से जो प्रोसेस होके वैल्यू आएगी वो कहाँ जाएगी, सी में स्टोर होगी, राइट। लेट अस चेक एंड कंपाइल एंड रन इट, 10 20, बट रिजल्ट यू कैन सी व्हाट इज दिस, यहां एडिशन रिजल्ट इज 30, ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है, एंड इसका एडिशन रिजल्ट का ये क्या आया, ये जो अभी देखा, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे आ गई, क्यों, क्योंकि मैंने यहां कुछ रिटर्न नहीं लिखा, मैं लिखता हूं रिटर्न जीरो, ठीक है, आपने रिटर्न जीरो देखा है ना, बार बार यूज किया आपने इंटू मेन में, राइट, लिखो 225 प्लस 758 कितना होता है, लेट अस से 25 प्लस 25 कितना होता है, राइट, ये आंसर क्या आ रहा है, जीरो, क्यों आया, क्योंकि आपने रिटर्न जीरो लिखा। अच्छा मैं बोलता हूँ रिटर्न, लेट मी राइट रिटर्न 159, राइट, रन करते हैं, राइट, लेट अस चेक व्हाट हैपेंस नाउ, इफ आई राइट हियर 10 प्लस 20 तो आंसर क्या आना चाहिए, 30, लेट अस सी व्हाट द आंसर इट विल कम, देखो राइट, अब आपको क्या रिटर्न कराना है, यू वॉन्ट द वैल्यू ऑफ सी, राइट, यू डोंट वॉन्ट एनी स्पेसिफिक वैल्यू, राइट, यू वॉन्ट द वैल्यू ऑफ सी, नाउ कंपाइल इट 10 75, यू सी द आंसर। सो अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, इनपुट कहाँ से जा रहा है, मेन से, प्रोसेस कहाँ हो रहा है, फंक्शन में, आउटपुट कहाँ आया, मेन में, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आउटपुट नहीं प्रिंट कर सकता, यहाँ भी कर सकता हूँ प्रिंट में, कर सकता हूँ ना, सी आउट, ये जो अभी मैंने किया एडिशन, राइट राइट, ऐसा यहाँ दो बार आएगा आउटपुट, लेकिन ऐसा कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स, अब यहाँ का आंसर अलग तरह से दिखेगा और ऊपर का आंसर अलग तरह से दिखेगा, राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है, ये आपके ऊपर है, राइट, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसा आप करना चाहो या ना करना चाहो आपकी मर्जी है। देखो दोनों का आंसर 127 आया, राइट, समझ में आ रहा है पक्का। सो इफ आई से कि सिंपल इंटरेस्ट का मुझे बनाना है प्रोग्राम, अच्छा एक और तरीके से ये देखो, अभी व्हाट आई डू, इफ आई डू हियर इंस्टेड ऑफ सी, इफ आई राइट जेड, व्हाट शुड आई राइट हियर, जेड है ना, नाउ सी वन मोर थिंग, व्हाट इफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, एक्स प्लस वाई, सो व्हाट इफ आई रिमूव हियर एंड डायरेक्टली राइट हियर, यू सी,
बताओ, समझे? देर आर सेवरल वेज ऑफ डूइंग दिस थिंग। पहले लंबा रास्ता बताता हूँ, फिर उसके शॉर्टकट्स बताता हूँ कि आपको नीचे फिर क्यों क्या जरूरत है सी की करने की। जब खाली प्रोसेस ही करना है तो मैं डायरेक्टली रिटर्न में प्रोसेस लिख ही सकता हूँ ना, समझ आई बात? तो ये हो गया एक लाइन में। देखो ऐसे भी कर सकते हो, पूरा कोड आप एक लाइन में लिख सकते हो, हो गया आपका सिंपल। कहाँ से शुरू किया और कहाँ पे आ गए हम लोग, राइट? ये रिटर्न टाइप आ गया, अब वैल्यू रिटर्न हो रही है, आप रिटर्न कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो, प्रोसेस कर रहे हो। अब आप देखो इनपुट कहाँ हो रहा है, मेन में हो रहा है, प्रोसेस फंक्शन बॉडी में हो रहा है, और आउटपुट कहाँ आ रहा है, मेन में आ रहा है। तो ये वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, इनपुट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है। अब सिंपल इंटरेस्ट का करोगे तो कैसे करोगे, यहाँ वॉइड लिखोगे, वॉइड एस आई, क्या लिखोगे, ये फ्लोर, इंटरेस्ट तो उसमें हो सकता है ना, आंसर हो सकता है ना। आपका प्रिंसिपल किस में होगा, फ्लोट में, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट में, नंबर ऑफ ईयर इंटीजर, ऐसे। अब आप यहाँ लिख सकते हो, राइट, इसको सेम उठाया यहाँ से, राइट, यहाँ पे फ्लोट पी, फ्लोट आर, इंटीजर आई, रिटर्न पी इंटू आर इंटू एन इंटू, नो आई नहीं, एन आएगा, एन 0.01, खत्म, हो गया, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का आपने फंक्शन बना दिया। अब आप यहाँ कॉल कर दो, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट इनपुट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट करो, नंबर ऑफ ईयर इनपुट करो, और आई आई करके लिख के फॉर्मूला बना लो, खुद का फंक्शन बन गया, कितना सिंपल है, राइट? दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस जो वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे हमने लिखा था, क्या लिखा था, आंसर इज इक्वल टू पावर एक्स कॉमा वाई लिखा था ना, मैथ डॉट एच लिखा था। तो मैथ डॉट एच के अंदर क्या है, ये सारे फंक्शन ऐसे ही डिफाइन है। अगर मैं बोलता हूँ पावर, हम खुद फंक्शन बनाए, अब आपको खुद बनाना है पावर का फंक्शन, पी ओ डब्ल्यू नहीं, पावर करके बनाओगे आप, ये वही आंसर रिटर्न करेगा जो पी ओ डब्ल्यू करेगा, फिर हमको पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद का फंक्शन बनाएंगे, राइट? कोई क्वेश्चन है? नहीं बोलो सर, ये जो सी है और यहाँ पे आपने सी बुलाया, तो सर अगर हम प्रिंट करें तो सी की जरूरत होगी कि नहीं? किधर प्रिंट करना है, मतलब यहाँ पे हमने जो प्रिंट किया है, किधर, यहाँ पे जो पहले प्रिंट किया था बेटा, इधर मैंने जो प्रिंट किया था वो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था, कि इसके अंदर जो लिख रहे हो वो वेरिएबल्स कौन से हैं, इसके अंदर ही होते हैं। इसका अगर मैं यहाँ प्रिंट कराना, मैं सीधा यहाँ भी कर सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, जरूरत क्या है जेड की या सी की, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया तो ये डायरेक्टली प्रिंट करेगा ना थर्ड वेरिएबल की। अब ये प्रिंट कराऊँ कि जब मैं रिटर्न टाइप करा रहा हूँ, तो प्रिंट में ऊपर करा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैंने क्या बोला कि प्रिंट नहीं करा सकते, करा सकते, लेकिन कराऊंगा नहीं, जरूरत नहीं, मैं यहाँ से प्रोसेस करने जा रहा हूँ। तो इनपुट यहाँ, प्रोसेस यहाँ, आउटपुट यहाँ। अब ये तो हो गया, अभी दो टाइप के और फंक्शन है, ये मेन तीन टाइप है, दो इसके मिक्सचर है जो अभी तक सीखे हैं, जो अगले मैं आपको बताता हूँ थोड़े टाइम। पहले इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं ना, तो चलो अगले दो टाइप के बताता हूँ कौन से।